बेस्ट है आपके लिए और सारे लेडीज के लिए भी। ये मोटिवेट मैसेज है कि यहाँ पे कुछ लेडीज जो कर रहे हैं आगे स्टेप बढ़ाए और आप भी कर सकते हैं, वो भी बैठे हैं। टू नो अबाउट सब्सिडी बैंक, हाउ टू टेक बैंक लोन, इस स्लॉट हाउस कैसे बनाया जाता है, उसमें खर्चा कितना लगता है और उसका मार्केटिंग कैसे करें। बेसिकली कटलेट बनाना सिखा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट बना रहे हैं और यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं ठहर कर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एक 5 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन होलसम मीट प्रोडक्शन एज वेल एज अर्लियर एजेंसी 5 डेज ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। देयर इज नो ट्रेनिंग फी एंड आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड एंड अकोमोडेशन। हेलो गाइज, आज मैं हूँ नेशनल मीट रिसर्च सेंटर के पास और मैं अंदर क्या प्रोसीजर चलता है मीट के बारे में, हम आइडेंटिफाई मीट को कैसा करते हैं और मीट्स को हाइजीन कैसा करते हैं, मीट्स से कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अच्छा से अच्छा बिजनेस मिल सकता है, बिजनेस सीखने का मौका मिल सकता है। तो वही आज मैं एक्सप्लेन करूँगी कुछ साइंटिस्ट से मिलकर और मुझे भी मौका मिला है साइंटिस्ट से मिलने का, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये हमारा 1-2-3 लैब मीट रिलेटेड जो होता है, मीट रिलेटेड भी लैब है। तो ओके, ऑल ओवर इंडिया में एक ही मीट रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया में एक ही है मीट रिलेटेड। ऑल ओवर इंडिया से यहीं पे आते हैं जो दिल्ली से, यहीं पे आइडेंटिफिकेशन जो भी मीट का रिलेटेड करना है हम यहीं पे, यही लेबोरेटरी पे आना पड़ता है। काफी इंटरेस्ट से लोग सीख रहे हैं कबाब बनाना, यहाँ पे कबाब बन रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रेनिंग ले लेंगे और उसके बाद बड़े मशीनरीज कैसा अफोर्ड करें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से भी स्टार्टअप कर सकते हैं क्लॉड किचन ओपन कर कर, और ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आप घर पे छोटे से अमाउंट के साथ, छोटे से ही प्रोडक्ट के साथ अच्छी पैकिंग और हाइजीनिक तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर में बढ़िया टेस्टी कबाब बना सकते हैं, वो भी हाथ से। बस ऐसे ही करना है ना, राइट? तो हम ये कितनी क्वांटिटी में बनने वाला है? अब जैसा कि ये 2 किलो हो गया हमारा है, 2 kg है, तो 2 kg में कितने कबाब्स बनेंगे? 40। वाह, बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसमें। तो बड़ा करना है, उतना बड़ा करना है। सही है ना, पूरा ख़राब हो जा रहा। ओके, इसका कलर और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ पे कटलेट बनाना सिखा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट बना रहे हैं और यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं ठहर कर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है इन सभी को। कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? मिनिमम 1 month रहे, डीप फ्रिज में लगाए तो 4 degree सेंटर में लगाए तो 1-2 month रहे, नॉर्मली लगाए तो 4-5। ओके गाइस, देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है सब सीखने के लिए, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं होता है, लेडीज़ हो या जेंट्स, यंगेस्ट हो या ओल्ड, बिजनेस करना है, बिजनेस कैसा करना है वो सीख रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाना है वो सीख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्ट है। गर्म पानी, इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट पानी बस। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर में लाइट वार्म पानी हुआ, उसमें हम क्या करें, सॉल्ट डालें, उसके बाद ये डाल देना, अब बॉईल करना है इसको। बॉईल हो जाता 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में टेम्परेचर देखना पड़ता। ओके, 72-75 बीच में हो गए तो कुक हो गया। ओके गाइस, प्रोडक्ट बनाना भी आपको यहाँ आके सीखना है, ब्रांडिंग करना भी यहाँ आके सीखना है और इसे सेल करना कैसा है वो भी आपको यहाँ आकर सीखना है। तो जल्द से जल्द आइए, 5 days का कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ओनली सिंगल राउंड, सेम साइज। ओके, कौन सा भी अंदर? हाँ, 1-2-3 राइट। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, लेडीज सीखते हैं। सही है, बस सपोर्ट की जरूरत है। नहीं,
एक राउंड फिर आना राइट नीचे कर बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। स्वाति मैडम नवाड की तरफ से ओके थैंक यू। मैं सबकी तरफ से थैंक यू बोलूँ जो एंटरप्रेन्योर है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप सबको पूरी टीम को थैंक यू। आपका क्या मोटिव है करने का, आप कहाँ से है फर्स्ट? फर्स्ट तो मैं आपके हैदराबाद मिर्ची के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। यू आर डूइंग ऑसम जॉब, द हार्ड वर्क यू आर बोथ ऑफ यू डूइंग इज ग्रेट। मेरा नाम नीलेश सावंत है, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, कोंकण एरिया नियर गोवा। और मेरा गोट फार्मिंग का बिजनेस है, पिछले 5 साल से मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ अफ्रीकन बोर गोट में। तो हमारे पास मोर देन 200 गोट्स है अभी फार्म पे, वी हैव गुड मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं स्लॉटर हाउस खोलने। ओके स्लॉटर हाउस हमको, दैट इज़ व्हाई वी केम हियर टू नो अबाउट सब्सिडी बैंक, हाउ टू टेक बैंक लोन, कि इस स्लॉटर हाउस कैसे बनाया जाता है, उसमें खर्चा कितना लगता है और उसका मार्केटिंग कैसे करें बेसिकली। तो एक्चुअली वी रियली थैंक टू नाबार्ड कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मटन मीट उन्होंने भी हमको अपॉर्चुनिटी दी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम स्लॉटर हाउस खोले और टॉप क्वालिटी का मटन जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करें और लोकल में भी बेचें, और एट द सेम टाइम हम लोग को फॉर्डर भी क्रिएट करना है हमारे एनिमल्स के लिए। यहाँ का आपको कैसा लगा? ग्रेट ग्रेट, एक्चुअली यहाँ के सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मतलब दे आर अटेंटिव, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं हमको, जो चाहिए मतलब जो चाहिए उसे, हमारे बहुत सारे मीथ जो है वो भी क्लियर हुए यहाँ पे कि हमको क्या करना चाहिए। हमारा मीथ था कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली, बट दैट्स नॉट इज दैट इट नीड सो मच इन्वेस्टमेंट। तो हमारे बहुत सारे मीथ क्लियर हुआ है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जो लेक्चर फैकल्टी है वो बहुत अच्छा है, मतलब पूरा नॉलेज है उनको, मतलब वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, वी आर टेकिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर आउट ऑफ हियर, सो वी आर रियली हेल्पफुल है और अप्रिशिएट है। ओके राइट सर, तो आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस लगे? नहीं नहीं, हमें कोई चार्जेस नहीं लगे, हम सब फ्री था, खाना भी फ्री था, रहना भी फ्री था, सो थैंक्स टू नाबार्ड। मैं के एम चौहान, आई एम फ्रॉम सतारा महाराष्ट्र। तो मैं यहाँ पे कुछ नया सीखने के, एक्चुअली मेरे पास गोट और शीप दोनों सेक्टर में बहुत, मैं फ्रॉम 96 से मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे उस्मानाबादी रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं भी काम किया हूँ। तो उसके बारे में और उसका आगे जाके क्या करना है, तो सभी फाइनली एक हो जाता है कि ये सब हो रहा है वो मीट के लिए हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ अच्छे क्वालिटी का मीट प्रोडक्शन करना है, तो उसको साइंटिफिकली कैसे करना है ये हमने अभी यहाँ पे सीखा। बहुत सारी अच्छी मशीनरीज है जो आम लोगों को मालूम भी नहीं है कि उसमें प्रोसेसिंग कैसे करना है वगैरह, तो ये यहाँ पे 5 दिनों में बहुत अच्छे सीखने को मिला। बाकी जो सब स्टूडेंट थे और बाकी सब टीचिंग स्टाफ उसमें बहुत एकदम एनर्जेटिक सब रहे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकल करने को मिला। अदरवाइज़ बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सब कुछ थियोरेटिकली हो जाता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छा सीखने को मिला, ताकि सभी एक्चुअल फील्ड लेवल पे जाके सब अच्छे तरह से काम कर सकें। तो गाइस सारे एंटरप्रेन्योर है, चलिए इनसे पूछते हैं ये ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या करने वाले हैं। तो मैम आपका नाम? मेरा नाम फातिमा बेगम है। ग्रेट प्लेस टू गेट ट्रेन्ड अप एंड नो द न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल, सो आई वांट टू वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजीज एंड माय जर्नी इन दिस वन मीट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पर आई हूँ, मैं 2 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो मधु कुमार सर से मिली थी, उस दिन से लेकर आज तक मधु कुमार सर का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को इस बात के कि मैडम आप ये कर सकते हैं, आप ये करिए, आप ऐसा करिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मधु कुमार सर का, यहाँ तक की पहुँच की जर्नी है यहाँ तक आने की, मैं इन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाए। वाकई में यहाँ का काफ़ी स्टाफ, जो पूरा स्टाफ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और काफ़ी सपोर्टिव है। और सारे लेडीज़ के लिए भी ये मोटिवेट मैसेज है कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो कर रहे हैं आगे स्टेप बढ़ाए, और आप भी कर सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे। मेरे साथ कुछ साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, मैम है कल्पना मैम और मुतु कुमार सर। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी कि इस लैब में हमारा क्या प्रोसीजर है, हम क्या करते हैं इस लैब में, आप लोग क्या करते हैं इस लैब में? मेन एक्टिविटी ये है, हम मेथड डेवलप करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, लेवल ऑफ रेजिड्यू। यहाँ पे LC-MS-MS है, ये फर्स्ट चॉइस है फॉर ट्रेस एनालिसिस ऑफ एनी केमिकल रेजिड्यू। तो वो भी है हमारे पास, HPLCs है हमारे पास, GC है सारा रेजिड्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम
मेथड डेवलप करते हैं, मेथड को वैलिडेट करते हैं, फिर फील्ड सैंपल्स को मॉनिटर करते हैं टू सी हम वेदर इट इज़ कंप्लाइंग दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और नॉट. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस. और एक सवाल करते हैं, बाहर जो सोशल मीडिया पे हमें सुनने को मिल रहा है ज़्यादातर कि बाहर के मीट में एंटीबायोटिक ज़्यादा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा है, तो आपके क्या राय हैं? लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग मार्केट से सैंपल लेके एनालाइज कर रहे हैं उसमें क्या है लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, क्या है एंटीबायोटिक कितना लेवल में है, बल्कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं. तो ज़्यादा तरह से हमारा रिजल्ट में आया है तो मेनी ऑल द पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज आर बिलो द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट. तो इसीलिए मीट खाने से कंज्यूमर के लिए देयर इज नो हेल्थ इश्यूज विल कम बाय कंज्यूमिंग मीट एंड मीट प्रोडक्ट. राइट. हेलो दोस्तों, डॉक्टर बीएम नवीना सर से मैं मिलाती हूँ, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस नवार्ड की जो 5 डेज की ट्रेनिंग है उसके बारे में भी और यहाँ के लैब के बारे में. सर थैंक यू. ग्लोबली मीट प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्टर पेस. So if you think that globally the people consume around 25 kgs of meat per one in 1 year, whereas the consumption in India is just 7.5 kg per person per annum. So there is a huge demand for the meat and meat products in India relative to many other developed nations. So in the coming years, our kids, our consumers are going to eat large amount of meat in India. So in order to meet this growing demand, so we need to improve our value addition, processing and meat production technology. So at NRCR Meat, at National Meat Research Institute, we have been focusing on meat production, processing, value addition, packaging, storage, improving the shelf life. We have been collaborating with different industries, different regulatory department, producers, stakeholders, animal husbandry department and other government institutions to promote the clean and hygienic meat in India. So towards that, under an NABARD funded project, so we have been training various stakeholders, startup entrepreneurs, a meat processors and any other who want to start a business in the area of meat processing. So we have been teaching them about a different value added meat products, the processing, the machineries, the suppliers of different ingredients, how to pack the meat, how to improve the shelf life, how to market them. We are linking these stakeholders with the bankers and the funding agencies, and we are talking about the regulations, the standards that are required in the country, and if someone want to establish his own business venture, so what are the approvals he is supposed to get through, so how he can export his product, how he can market his product, so what is the demand for e-commerce platform, or whether if someone want to open his own brick and mortar shops, so what are the requirements, needs, do's and don'ts, so what are the good manufacturing practices, standard operating procedures that need to be followed in the meat industry. All A to Z will be teaching through this training program.